दोस्तों ये है कोलकाता, जो कि दिल्ली के बाद हमारे भारत का पांचवा सबसे विशाल महानगर है। इसे महलों का शहर एवं सिटी ऑफ जॉय के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल है। जी हाँ, कोलकाता ना केवल एक शहर है बल्कि शहर से भी बढ़कर बहुत कुछ है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया हावड़ा ब्रिज इसे पूरे देश से अलग बनाता है। इस शहर का ये नाम 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इससे पहले कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश काल से ही काफी फेमस है। आज के दौर में ये शहर आधुनिकीकरण की ओर तेजी से मूव कर रहा है, जिस वजह से आपको इस शहर में कई आसमान छूती इमारतें और एक बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कोलकाता को देश के टीयर वन सिटीज में अंकित किया जाता है, जो कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे तेजी से उभरते नगरों में शुमार है। हुगली नदी के पूर्वी किनारे बसा ये शहर लगभग 206 स्क्वायर किलोमीटर पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। वहीं कोलकाता को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, कमर्शियल एवं बिजनेस हब माना जाता है, जिस वजह से आस पड़ोस के राज्यों से लाखों लोग रोजगार की तलाश में यहां प्रस्थान करते हैं। साथ ही साथ कोलकाता अपने रहन सहन, खान पान तथा सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां के रसगुल्ले का स्वाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और अगर आप कोलकाता आते हैं तो आप यहां की गलियों में पूड़ी कचौरी और गर्मा गर्म मछली फ्राई का स्वाद भी चख सकते हैं। और आइए अब हम जरा जान लेते हैं कोलकाता के न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। तो साल 2011 में निकाले गए एक आंकड़े के मुताबिक कोलकाता शहर में लगभग 45 लाख लोग निवास करते थे, लेकिन आज के दौर में ये जनसंख्या 1.5 करोड़ से ऊपर होने की उम्मीद है। यहाँ की जनसंख्या में 1000 मर्दों पर सिर्फ 901 औरतें पाई जाती हैं। हालांकि कोलकाता में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है, जिसमें यहाँ की लिटरेसी रेट 86.1% की है। तथा यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ की आबादी में 76.51% हिंदू, 20.6% मुस्लिम, 1% जैन और बाकी थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। कोलकाता की ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। वहीं क्या आपको पता है दोस्तों कि कोलकाता में स्थित बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है, एवं बैठने की क्षमता के अनुसार कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें लगभग एक साथ 68,000 लोग बैठ सकते हैं। साल 1984 में कोलकाता ही वो शहर था जहां भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। हालांकि आज के दौर में कोलकाता मेट्रो को काफी एडवांस बनाया गया है। अगर हम कोलकाता के बीते इतिहास पर नजर डालें तो इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। ये एक समय में अंग्रेजों एवं फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। यहाँ स्थित प्राचीन संग्रहालय, स्मारक और राष्ट्रीय पुस्तकालय इसके इतिहास का प्रमाण देते हैं। आजादी के समय में तो ये क्रांतिकारियों और आजादी के लिए लड़ने वाले नेताओं की सबसे बड़ी कर्मभूमि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1690 से यहाँ व्यापार करना शुरू किया। फिर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस शहर को लंदन के तौर पे बसाया था, जिसका प्रमाण आज भी यहाँ की पुरानी स्ट्रीट्स पर देखने को मिलता है। कोलकाता शहर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत के कई शहरों से काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर बेहतरीन सड़कों से लेकर मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। तथा यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम कोलकाता जंक्शन है, जो कि न्यूली मेड स्टेशन है। ये कोलकाता से गुजरने वाली सर्कुलर लाइन पर स्थित है। और आइए अब यहाँ के कुछ अनोखे पर्यटन स्थलों पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंडियन म्यूजियम, पार्क स्ट्रीट, साइंस सिटी, पियाली द्वीप, दक्षिणेश्वर मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल और यहाँ के हावड़ा ब्रिज की सैर कर सकते हैं।